कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, ये 70 करोड़ हाँ। महिलाओं की लड़ाई है, लोग सरकार तो करे कि जाट परिवारों की लड़ाई। नो, छत्तीस बिरादरी की लड़ाई है। अरे आदि आबादी की मालिक है महिलाएं, मालिक नहीं है क्या? हर घर में महिला है, महिला बिना संस्कृति के ऊपर चलेगी कैसे? सृष्टि चलेगी, मैंने बता देते इस बात का। हाँ, ये लड़ाई न लेकर बैठेगी मोदी सरकार, में गारंटी देता हूँ। या तो तुरंत फैसला ले ले, बिरजू को गिरफ्तार कर ले, इसका नार्को टेस्ट करावे। करोले बैठेगी यहाँ राजस्थान, आपका बगल का राज्य करा, वहाँ स्वीप करेगी बीजेपी। अगर इतना खराब स्थिति है, देखना ये महिलाएं लेके बैठ जाएंगी या लड़ाई आड़े तो सीमित ना रहे। एक बात देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों से जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे हर आदमी इतना पीड़ित है। आज जब हम पलवल से चले, यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ रहा है, जब हमने पंचर वाले से हवा डलवाई, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, हमने कहा वहाँ ऐसे ऐसे पंचायत है। अच्छा, बेटियों के लिए हवा के पैसे नहीं दिए, टोल टैक्स के गए, टोल टैक्स वालों ने कहा हम पैसे नहीं लेंगे, आप भले काम के लिए जा रहे हो। हमने चाय रास्ते में आ रहे थे, थोड़ा दूर रहे थे, घर से पराठे बना के लाए, हमने चाय ली और वो लिया, चाय वाले ने कहाँ जा रहे हो, जैसे पूछ लेते हैं क्या स्वाफे वगैरह सब बंधे हुए हैं, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आज मैम 24वीं पंचायत है बेटियों। कड़ा फैसला लेना, हम पैसे नहीं लेंगे, मतलब देखिए उन्हें नहीं मालूम हमें कौन वो है। छोटा छोटा आप न्यायालय की बात कर रहे थे, अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने 4 किसानों पर और 1 मीडियाकर्मी पे गाड़ी चढ़ा दी, उसको 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाती है। अजय मिश्रा टैनी का 5 साल से केस लंबित था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसको बरी कर दिया जाता है, आप किस न्यायालय की बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है आपका स्टेट हरियाणा है सर? मेरा स्टेट यूपी है, मैं उत्तर प्रदेश खाप से आया हूँ, यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ। ये बताइए सर, हाँ। किसान आंदोलन के वक्त में आप लोगों ने 13 महीने उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों को रोक दिया जी, चुनाव हुए तो नतीजे क्या है? तो आंदोलन, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि इस आंदोलन में बार बार इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग जनता हो, वोटर हो, कि आपको लगता है कि अगर आंदोलन खड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा ले जाएगी, क्योंकि ये इसे जाट बनाम अन्य की राजनीति दे देगी, इसको आप कैसे रोकोगे ये बताओ ना। देखिए, कर्नाटक में बजरंग बली का नाम लिया गया बजरंग दल के ऊपर, क्या 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 रिजल्ट निकला? प्रधानमंत्री मोदी पीछे हट गए, जेपी नड्डा पे ब्लेम डाल दिया गया कि जेपी नड्डा रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो आप किस राजनीति की बात कर रहे हैं? कर्नाटक इलेक्शन में आपने देख लिया, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो आरएसएस की सरकार चला रहे हैं, ये भाजपा की सरकार नहीं, भाजपा की सरकार चलाते थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन पे सारे संगठन होते थे, सोशलिस्ट होते थे, हर समाज का आदमी होता था, ये चल रही आरएसएस की सरकार। वाजपेयी भी 280 और 302 सीट नहीं ला पाए, 280 और 302 सीट इसलिए नहीं ला पाए कि उनपे अडानी नहीं था, उनके समर्थन में कॉरपोरेट नहीं खड़े थे, ये कॉरपोरेट की सरकार है। आंदोलन हमारी जेब से पैसा लेके उनको दे दिए, आपके आंदोलन ही तो कहा जा रहा है कि जिंदल साहब का हाथ है, हुड्डा साहब का आंदोलन में पैसा लग रहा है, ये आप पर भी तो आरोप लग रहा है ना। अगर जिंदल साहब हुड्डा साहब के अकाउंट से पैसा जा रहा होता तो सबसे पहले सीबीआई और ईडी की रेड उन पर पड़ती, आप तो जान रहे हैं ना कि सीबीआई ईडी की रेड कैसे पड़ती है। सत्यपाल मलिक सोमवार को आए हमारे किसानों अपना ये पहलवानों के आंदोलन में, मंगलवार को उनके पीए राणा पे, जिसकी बेचारे की 70 साल की उम्र है, उसके 2 जोड़ी कपड़े हैं, उस पर रेट डाली इन्होंने। मीडिया प्रभारी पे जम्मू कश्मीर में जो बगैर सैलरी के उनके लिए काम करता था उस पर रेट डाली। मैं कहता हूँ न्याय प्रक्रिया ले लीजिए, न्यायपालिका ले लीजिए, कार्यपालिका ले लीजिए, आप कोई भी पालिका ले लीजिए, सभी अपनी जेब में लग के घूम रहे हैं, 2024 के इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कर्नाटक के इलेक्शन में छूट दे दी, लोकसभा इलेक्शन में छूट नहीं मिलेगी, ईवीएम कन्वर्ट कर दिए जाएंगे 17.5 लाख, और देखिएगा कैसा जादू चलेगा मोदी जी का। मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी ने ये कहा था कि इस देश की बेटी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, इस देश के नौजवान को नौकरी दूंगा, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आज 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां बनती हैं, आप बता दीजिए कितनी नौकरियां दी उन्होंने। जो जवान, जो किसान का बेटा आर्मी में जाता है उसके लिए अग्निवीर स्कीम ला के 4 साल बाद क्या वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा अदानी अंबानी की? आप बताइए। तो बीजेपी को कैसे फिर सीट आ जाती है भाई साहब? बीजेपी को सीट जुमलेबाजी से आती है। हरियाणा में तो और इसका सबसे बड़ा प्रयोगशाला है। हरियाणा में अब की बार इनको पता लग जाएगा कि यहाँ हरियाणा के अंदर देख तो चीरहरण जब महाभारत के टाइम में हुआ था, अब की बार तो हमारी बेटियों का ये सीलहरण कर रहे हैं, और सीलहरण बेटी पूरे देश की एक ही है। अब ये हिंदुस्तान का मैटर नहीं है, पूरी दुनिया की बेटियों का मैटर है। तो ये शीलहरण में सियासत प्रभावित होगी? बिल्कुल 100% होगी। जो पीछे जो हमारे युवा थे ना, वो मोदी के फैन थे, अब क्या है कि जो बेटियों वाला मामला आ गया,
बेटियां तो सबकी सांझी है, 36 बिरादरी की सांझी है बेटियां। वो बेटियां वाला तो बहुत गलत है, अगर बेटियां में न्याय नहीं दिया तो कोई मोदी की सीट हरियाणा में नहीं आने वाली।